हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय सिंह तंवर। आपका बहुत 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 स्वागत है प्रिंटिंग गुरु जी। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रिलीफ प्रिंटिंग प्रोसेस की। दोस्तों रिलीफ प्रिंटिंग प्रोसेस के बारे में आज हम जानेंगे डिटेल में। सबसे पहले हम जानेंगे कि इसका इन्वेंशन कब हुआ, दूसरा इसका प्रिंसिपल क्या है, तीसरा इसका प्रोसेस क्या है, चौथा इसके प्रिंटिंग के एग्जाम्पल्स क्या हैं, इसके टाइप्स क्या हैं, और साथ ही हम जानेंगे कि इस प्रोसेस में जो मशीनरीज बनती हैं वो कितनी तरीके की होती हैं, और साथ ही में हम बताएंगे कि इसमें इससे प्रिंटेड प्रोडक्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा रिलीफ प्रिंटिंग प्रोसेस का टॉपिक। दोस्तों 15वीं सदी में जोहानस गुटेनबर्ग के मूवेबल टाइप्स के आविष्कार के साथ ही रिलीफ प्रिंटिंग प्रोसेस का आगमन होता है। दोस्तों रिलीफ प्रिंटिंग प्रोसेस सबसे पुराना प्रिंटिंग प्रोसेस है, लेकिन आज भी ये प्रिंटिंग प्रोसेस काफ़ी तादाद में इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा माना जाता है आज के टाइम की रिलीफ प्रिंटिंग प्रोसेस या लेटर प्रेस प्रिंटिंग ऑब्सोल्यूट हो गई है या इस्तेमाल नहीं की जा रही, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो कि दूसरे प्रिंटिंग प्रोसेस नहीं कर पाते हैं, वो इस प्रोसेस के द्वारा आज भी होता है। दोस्तों रिलीफ प्रिंटिंग प्रोसेस को समझाने के लिए कुछ इमेजेस मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जो कि हैं ब्लॉक्स और फोटोपॉलीमर प्लेट्स कुछ टाइप्स। दोस्तों इमेजेस में आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि जो हमारा इमेज एरिया और नॉन इमेज एरिया दोनों फिजिकली डिवाइडेड हैं। हमारा इमेज एरिया है जो बहुत ही हल्की सी मात्रा में ऊपर उठा हुआ है, और जो हमारा नॉन इमेज एरिया है वो डिप्रेस्ड है, यानी कि थोड़ा नीचे है इमेज एरिया। इससे होता क्या है कि जब हम इस ब्लॉक पर या इस टाइप से कंपोज हुए हुए मैटर पर जब हम इंक रोलर चलाते हैं, तो जो हमारी इंक होती है, क्योंकि वो एक पेस्ट फॉर्म की होती है, जो इंक है वो इमेज एरिया पर ही अप्लाई हो पाती है, नॉन इमेज एरिया तक वो इंक नहीं पहुंच पाती है। दूसरा ये कि क्योंकि नॉन इमेज एरिया डेप्थ में होता है और इमेज एरिया हमारा रेज्ड होता है, ऊपर की तरफ होता है, इसीलिए नॉन इमेज एरिया भी पेपर के कांटेक्ट में नहीं आता जब हम पेपर और इमेज कैरियर दोनों को प्रेशर के द्वारा प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। तब हमारे इमेज कैरियर से इंक ट्रांसफ़र होती है पेपर पर, और जो एक्चुअल हमें इमेज प्रिंट चाहिए वो इमेज हमारी प्रिंट हो जाती है पेपर पे। लेकिन दोस्तों साथ ही आपने गौर किया होगा कि हमारे इमेज कैरियर पर जो इमेजेस बनी हुई हैं वो बिल्कुल उल्टी बनी हुई हैं जैसा हमें प्रिंटिंग चाहिए, उससे बिल्कुल उल्टी। दोस्तों ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ डायरेक्ट प्रिंटिंग हो रही है, यानी इमेज कैरियर डायरेक्टली सबस्ट्रेट पर या पेपर पर इंक ट्रांसफ़र कर रहे हैं। डायरेक्ट जब हम किसी भी चीज़ को डायरेक्ट देखते हैं, यहाँ जो इमेज कैरियर है उस पर मिरर इमेज है, यानी जब दोस्तों हम मिरर में देखते हैं तो जो हमारा लेफ्ट साइड होता है वो मिरर में राइट साइड हो जाता है, और जो राइट साइड होता है वो लेफ्ट हो जाता है। बिल्कुल वैसा ही इस इमेज कैरियर में होता है। यहाँ हमें जो जैसे भी हमें प्रिंटिंग चाहिए उसके बिल्कुल मिरर इमेज हमें इमेज कैरियर पर बनवानी होती है या बनानी होती है। बिल्कुल ऐसे ही इसके टाइप्स हैं, आप देखेंगे जब आप इसके टाइप्स देखेंगे तो इसमें जो ऊपर अक्षर लिखा होता है या जो अक्षर बना हुआ होता है वो बिल्कुल मिरर इमेज होता है एक्चुअल उसकी इमेज का। अब दोस्तों साथ ही मैंने आपको एक फोटोपॉलीमर प्लेट भी दिखाई जो कि काफ़ी फ्लेक्सिबल है। दोस्तों ये फ्लेक्सिबिलिटी ही फ्लेक्सोग्राफी में काम आती है, क्योंकि लेटर प्रेस और फ्लेक्सोग्राफी ये दो टाइप होते हैं हमारे रिलीफ प्रिंटिंग प्रोसेस के। अब दोस्तों हम आते हैं इसके प्रोसेस पे। दोस्तों सबसे पहले इसमें इमेज कैरियर बनाया जाता है जो कि एक मास्टर कॉपी होता है, या तो वो ब्लॉक बनाया जाता है जिस पर इलस्ट्रेशन और हमारे जो टेक्स्ट होता है वो दोनों चीज़ें होती हैं, या फिर इसको कंपोज किया जाता है, छोटे छोटे टाइप्स को साथ में मिलाकर कंपोज करके एक मैटर बनाकर, और इलस्ट्रेशन साथ में इलस्ट्रेशन भी यूज़ किए जाते हैं, इन सबको मिलाकर एक मास्टर कॉपी बनाई जाती है। उसके बाद दोस्तों हम जो हमारा इमेज कैरियर है उसको हम मशीन के फ्लैट बेड पर रखते हैं।
दोस्तों फ्लैट बेड वो जगह होती है जहाँ हमारा इमेज कैरियर रखा जाता है, और प्लेटन प्लेटन मशीन की वो सतह होती है जिस पर हमें पेपर या सबस्ट्रेट रखा जाता है जिस पर हमें प्रिंटिंग करनी है। तो इसके बाद हमारी जो हमारा इंक रोलर होता है, इससे जो इंक रोलर पर जो इंक है वो ट्रांसफ़र होती है हमारी इमेज कैरियर पर, और इमेज कैरियर पर सबसे ऊपर होता है क्योंकि इमेज एरिया, इसीलिए वो इंक जो है वो सिर्फ इमेज एरिया पे ही ट्रांसफ़र हो पाती है। उसके बाद इमेज कैरियर यानी कि फ्लैट बेड मूव होता है हमारा प्लेटन की तरफ, जो कि हम जाकर सबस्ट्रेट या पेपर पर वो प्रेशर लगाता है। प्रेशर लगाने की वजह से जो हमारी इंक इमेज कैरियर पर है वो ट्रांसफ़र होती है हमारे पेपर और सबस्ट्रेट पर। इस तरीके से जब इंक इमेज कैरियर से और पेपर पर ट्रांसफ़र होती है तो हमारी जो इमेज कैरियर पर इमेज बनी हुई होती है उससे ठीक मिरर इमेज हमारे पेपर पर बन जाती है, जो कि हमें प्रिंटिंग चाहिए, यानी कि वो सीधी इमेज। अभी उल्टी होती है इमेज कैरियर पर, उसके बाद जब पेपर पर वो छपती है तो वो हो जाती है सीधी। तो दोस्तों ये है इसका रिली प्रिंटिंग प्रोसेस का पूरा प्रिंटिंग प्रोसेस। अब दोस्तों इससे होने वाले काम कौन कौन से हैं। शुरुआती दौर में इससे विजिटिंग कार्ड, लीफलेट्स, पैम्फलेट्स, बिल बुक्स इससे प्रिंट हुआ करते थे। आजकल क्योंकि और भी प्रिंटिंग प्रोसेस आ गए हैं और भी फाइन प्रिंटिंग होने लगी है, इसलिए वो प्रिंटिंग आजकल ट्रांसफ़र हो गई है दूसरे प्रोसेसेस पे। लेकिन आज भी ऐसे कई काम हैं जो कि रिली प्रिंटिंग प्रोसेस करता है और दूसरे प्रोसेस से काफ़ी बेहतर तरीके से करता है, जैसे हमारी नंबरिंग हो गई, एम्बोजिंग हो गई, फॉइल स्टैम्पिंग हो गई, ऐसे कई सारी चीज़ें हैं, जैसे हमारे डाई कट्स हो गए, हाफ कट्स हो गए, ये आज भी हमारे रिली प्रिंटिंग प्रोसेस या लेटर प्रेस में इस्तेमाल किया जाता है। अब दोस्तों इसके टाइप्स पर आते हैं। रिली प्रिंटिंग प्रोसेस के दो टाइप्स होते हैं, लेटर प्रेस और फ्लेक्सोग्राफी। सबसे पहले हम समझते हैं लेटर प्रेस क्या होती है। दोस्तों लेटर प्रेस को लेटर प्रेस इसीलिए कहा गया है क्योंकि इसमें मैकेनिकल टाइप्स जो कि जोहानस गुटनबर्ग ने इन्वेंट किए थे, लेड टिन एंटीमनी के साथ एक अलॉय टाइप्स बनाए थे, उनका इस्तेमाल करते हुए यहाँ इमेज कैरियर बनाया जाता था, क्योंकि इसमें लेटर्स ज़्यादा हुआ करते, लेटर्स की कंपोजिंग करके इमेज कैरियर तैयार किया जाता था, इसलिए इसे लेटर प्रेस कहा गया। इसके बाद क्योंकि इसके इमेज कैरियर भी आपको मैं इमेजेस दिखा रहा हूँ, ये दोस्तों ये इमेजेस हैं लेटर प्रेस के इमेज कैरियर्स की, जिनमें आप देख सकते हैं ब्लॉक्स भी हैं और टाइप्स भी हैं, टाइप से कंपोज हुआ हुआ मैटर भी आपके सामने दिख रहा होगा आपको। अब दोस्तों इसके बाद दूसरा जो प्रोसेस जो प्रिंटिंग है जो रिली प्रिंटिंग प्रोसेस में होती है वो है फ्लेक्सोग्राफी। फ्लेक्सोग्राफी कहने के पीछे इसका मेन कारण है इसमें इस्तेमाल होने वाला इमेज कैरियर, जो कि है फोटोपॉलीमर प्लेट्स, जो कि फ्लेक्सिबल होती हैं। इससे लेबल्स, कार्टन्स छापे जाते हैं, बैग, जूट बैग्स छापे जाते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स इससे प्रिंट होते हैं। तो दोस्तों रिली प्रिंटिंग प्रोसेस के मशीन्स के टाइप्स तीन तरीके की होती हैं। पहला होता है प्लेटन प्रेस, दूसरा प्लेन टू सिलेंडर, तीसरा सिलेंडर टू सिलेंडर। ये तीन तरीके की मशीन्स के टाइप्स होते हैं रिली प्रिंटिंग प्रोसेस में। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं प्लेटन प्रेस को। प्लेटन प्रेस में जो हमारा फ्लैट बेड यानी कि जिस पर हमारा इमेज कैरियर रखा जाता है, और हमारा प्लेटन जिस पर हमारा सबस्ट्रेट या पेपर रखा जाता है, दोनों ही स्ट्रेट होते हैं यानी कि दोनों ही प्लेन होते हैं। दोस्तों इस प्लेटन प्रेस पर ज़्यादातर लेटर हेड्स, बिल बुक्स और टैक्स ऐसे कई सारे आइटम प्रिंट किए जाते हैं। दोस्तों दूसरा है फ्लैट टू सिलेंडर या प्लेन टू सिलेंडर टाइप। दोस्तों जब प्लेन टू सिलेंडर की बात होती है तो इसमें प्लेन आपका फ्लैट बेड रहता है और प्लेटन सिलेंड्रिकल फॉर्म में हो जाती है जिस पर हमारा पेपर आता है। प्लेन टू सिलेंडर वाली मशीनें जो होती हैं वो सस्ती होती हैं, प्लस ही साथ ही फ्लेक्सिबल होती हैं और भी जॉब्स को प्रिंट कर सकती हैं। इनकी स्पीड हाई होती है
और इन पे हम ज़्यादा से ज़्यादा जॉब प्रिंट कर सकते हैं। तीसरा हमारा है सिलेंडर टू सिलेंडर। सिलेंडर टू सिलेंडर में हमारा फ्लैट बेड और साथ ही साथ हमारा प्लेटन दोनों ही सिलेंड्रिकल फॉर्म में होते हैं, यानी कि जो हमारा इमेज कैरियर होता है सिलेंड्रिकल शेप में, ताकि हमारे फ्लैट बेड पे माउंट हो सके। और इसे हम स्टीरियोटाइप भी कहते हैं। तो ये जो सिलेंडर टू सिलेंडर ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्पीड देता है रिली प्रिंटिंग प्रोसेस में, और इसमें बड़े बड़े जॉब्स प्रिंट किए जाते हैं, कंसिस्टेंसी रहती है इसमें। इसमें वेब फॉर्म में भी प्रिंटिंग की जा सकती है। तो दोस्तों ये था हमारा रिली प्रिंटिंग प्रोसेस। अगले सोमवार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।